नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राजीव और आप सबका स्वागत है आर्या एंड भाविया हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है हम बताने वाले हैं कि हम फोटो में या फिर किसी वीडियो में जो है सॉन्ग हम कैसे उसमें डाल सकते हैं या फिर उसको उस वीडियो को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं उस फोटो में, मतलब सॉन्ग डाल के उसको वीडियो की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे एक दोस्त ने किया था जिसका नाम जितेंद्र है और मैं उनका इंस्टाग्राम आईडी का यहाँ पर दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा और जाकर उनको फॉलो कर लीजिएगा। तो उन्होंने ही कल फ़ोन किया था और पूछा था कि हमारे पास कोई भी फ़ोटो है, कहीं गए हैं घूमने, हमारे पास फ़ोटो है या फिर कोई वीडियो है, तो हम उसमें जो है गाना कैसे लगाएंगे, सॉन्ग जो है उसमें कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो उनका ही सवाल था, उन्होंने ही पूछा था। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा और आप अपने फ़ोटो या फिर वीडियो में आप सॉन्ग लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो खास उनके लिए ये वीडियो है, बाकी आप लोगों के लिए भी है, आप लोग देख सकते हैं और आप लोग भी सीख सकते हैं कैसे हम फ़ोटो या फिर किसी वीडियो में गाना को मतलब कि सेट कर सकते हैं। चलिए हम आपको लाइव दिखाते हैं, आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि इंस्टाग्राम पर आप कोई भी सॉन्ग कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को बताते हैं। तो देख सकते हैं हमने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया है और अब आपको सारा प्रोसेस बताते हैं। तो इंस्टाग्राम को आपको इसी तरह से ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों रील्स का एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका लोगो है और लोगो के जस्ट बगल में रील्स का ऑप्शन है, यहाँ होम है, सर्च है, उसके प्लस के बगल में रील्स है। तो रील्स पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो चलिए मैं रील्स पर क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ पर राइट साइड सबसे ऊपर आपको एक कैमरे का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको क्या करना है उस कैमरे के बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, देख सकते हैं हमारा फेस ओपन हो चुका है, आ चुका है, या तो आपके सामने में पीछे का भी आ सकता है इस तरह से, तो आपका जैसे आएगा कोई बात नहीं। उसके बाद नीचे देख सकते हैं एक प्लस का ऑप्शन मिलेगा, गैलरी का ऑप्शन, तो आपको क्या करना है यहाँ पर प्लस वाले पे क्लिक करना है, गैलरी के ऊपर क्लिक करना है और आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए फ़ोटो के लिए सबसे पहले बताते हैं। तो ये फ़ोटो पर हमने क्लिक कर दिया, देख सकते हैं फ़ोटो आ चुका है। अब आपको मैं यहाँ पर एक बार और फ़ोटो यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एडिट वीडियो के बगल में ऐड क्लिप्स है, तो जैसे ही ऐड क्लिप्स पे क्लिक करेंगे दोबारा में फ़ोटो हमारा लग जाएगा इसी जगह ऐड क्लिप्स। और यहाँ पर आप दो चार जितने फ़ोटो चाहें उतने फ़ोटो यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ही फ़ोटो को दो बार ऐड कर दिया हूँ जिसके वजह से दोनों ही फ़ोटो सेम आ चुका है। तो इस तरह से फ़ोटो आ चुका है। उसके बाद जस्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे एक म्यूजिक का ऑप्शन आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट के बगल में म्यूजिक ऑप्शन, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने में ये आ जाएगा और देख सकते हैं पहले से बहुत सारा सॉन्ग मिल जाएगा, यूज कर सकते हैं। या फिर आप ऊपर में सर्च म्यूजिक है, सर्च में जाके आप यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी म्यूजिक कोई भी सॉन्ग सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर दोस्ती वाला सॉन्ग जो है सर्च कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सर्च किया तो बहुत सारे सॉन्ग आ गए। अब इसमें से किसी भी एक सॉन्ग को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, देख सकते हैं नीचे जो है सॉन्ग आ चुका है। तो ये सॉन्ग जो है पूरा आपको जो है पूरा सॉन्ग यहाँ पर मिल जाएगा कभी कभी, और डन पे क्लिक कर देना है तो ये आपके फ़ोटो में लग जाएगा। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं म्यूजिक जो है, ये हमारा सॉन्ग जो है पूरा सॉन्ग है 6:24 का, तो मतलब 6.5 मिनट का है ये सॉन्ग, देख सकते हैं। उसके बाद इसमें से आप जितना मतलब जहाँ से भी इस सॉन्ग में से कहीं भी आप सुन सकते हैं और कट करके वहाँ से मतलब जितना आप यहाँ पर वाइट कलर में आएगा उतना सा भाग आप यूज कर सकते हैं अपने फ़ोटो में। तो यहाँ पर चलिए मैं दिखा देता हूँ, कहीं भी एक जगह सेलेक्ट करके डन पे क्लिक कर देता हूँ, देख सकते हैं इसमें हमारा जो है म्यूजिक लग चुका है फ़ोटो में। अब हम जो है इसको इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा सकते हैं या फिर फेसबुक पे लगा सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए अब इसको जो है यहाँ पर मैंने लगा ही दिया है म्यूजिक। अब यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन, नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, देख सकते हैं एडिट कवर है फ़ोटो के जस्ट नीचे एडिट कवर, एडिट कवर पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने में बहुत सारे फ़ोटो जो है आ जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैंने एक ही फ़ोटो को यूज़ किया इसीलिए एक ही फ़ोटो आ रहा है, अगर आप अलग अलग फ़ोटो यूज़ करेंगे तो उसमें से कोई एक फ़ोटो यहाँ पर आप एडिट कवर में जाके सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि वो आपके वीडियो के ऊपर वो शो करे। उसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं टाइटल का ऑप्शन है,
तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन मतलब कैप्शन कुछ भी राइट कैप्शन लिख सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद टैग पीपल है, टैग पीपल पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर किसी दोस्त को आप टैग कर सकते हैं या फिर इनवाइट कोलेब्रेशन। इनवाइट कोलेब्रेशन का मतलब ये है कि आप जिसको इनवाइट करेंगे स्पेस सेलेक्ट करके तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उनके आईडी से भी वो फोटो वो वीडियो पब्लिश हो जाएगा। इस तरह से आप इससे कोलैब भी कर सकते हैं, एक वीडियो दो जगह दो आईडी से पब्लिश हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं टैग भी और इनवाइट। उसके बाद ओके कर देंगे और यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, शेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फ़ोटो या वीडियो वो पब्लिश हो जाएगा। तो ये मैंने फ़ोटो से बता दिया, चलिए अब मैं बैक कर लेता हूँ और उसके बाद अब बताता हूँ आपको वीडियो में कैसे सॉन्ग डालना है। तो यहाँ पर आप इंस्टाग्राम को जैसे ही ओपन करेंगे फिर से आपको चलना है उसी तरह से। चलिए मैं शुरू से बताता हूँ, रील्स पर जाना है, कैमरे पर जाना है, उसके बाद नीचे प्लस पे गैलरी में जाना है और यहाँ पर चलिए मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हूँ अपना वीडियो, और जिसमें कि कोई भी म्यूजिक कोई भी कुछ नहीं है, देख सकते हैं। अब इसमें म्यूजिक डालना है इस वीडियो में, तो यहाँ पर म्यूजिक ऑप्शन है ही आपको मैंने जैसे बताया, यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे आ जाएंगे सॉन्ग, उस पे भी यूज कर सकते हैं या फिर सर्च भी करके कोई सॉन्ग यूज कर सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक सॉन्ग को, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है देख सकते हैं। अब हम डन पे क्लिक कर देते हैं और हमारा म्यूजिक यहाँ पर लग चुका है। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखना हो अपने फ़ोटो या वीडियो के ऊपर तो यहाँ पर म्यूजिक के बगल में टेक्स्ट का ऑप्शन है डबल ए, यहाँ पर हम क्लिक करके नाम भी कुछ भी आप टाइप करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर नाम सिंपल में दिखा देता हूँ टाइप करके, तो मैंने ये टाइप कर दिया देख सकते हैं आ चुका है। उसके बाद सिंपली हम नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा और सारा प्रोसेस वैसे ही कर लेना है। एडिट कवर लगा सकते हैं, कैप्शन लिख सकते हैं, उसके बाद आप इसको जो है नेक्स्ट करेंगे शेयर करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको गैलरी पे चलना है, जैसे हम में रहेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है लोगो यहाँ पर रहेगा, तो लोगो पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये जो यहाँ पर देख सकते हैं चकूट जैसा जो है नौ घर जो बना हुआ है इस पर सेलेक्ट रहेगा तो आपका फ़ोटो वीडियो सभी शो करेगा। और ये रील है, रील पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी वीडियो है रील वीडियो है सारा यहाँ पर शो करेगा। तो किसी भी एक रील वीडियो को मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड नीचे थ्री डॉट है, थ्री डॉट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यह वाला ऑप्शन, इस पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर आप किस फ्रेंड को भी सेंड कर सकते हैं या फिर नीचे देख सकते हैं कॉपी लिंक का एक ऑप्शन मिलेगा, तो कॉपी लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही कॉपी लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्रोम पे चले जाना है, क्रोम पे जाने के बाद गूगल में आपको यहाँ पर सर्च करना है। क्या सर्च करना है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैं क्या सर्च किया हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं क्या मैंने सर्च किया है। आपको सिंपल यही सर्च कर लेना है, जैसे ही करेंगे पहला वेबसाइट आ जाएगा ये वाला, आपको इस पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, जो कॉपी किया है आपने वीडियो उसको यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है और नीचे जो लिखा हुआ है ये ग्रीन कलर में वाइट, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने में एक एडवर्टीजमेंट आ जाएगा, उसको आपको यहाँ पर जो है क्लोज कर देना है। ये ऐड आ चुका है देख सकते हैं, तो नीचे क्लोज का ऑप्शन है, क्लोज पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में ये वीडियो शो हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं ये ब्लू कलर में वाइट से लिखा हुआ है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके गैलरी में पहुँच जाएगा, चला जाएगा। तो एड आ जाएगा, एड को कट कर देना है आपको, और जैसे ही कट करेंगे देख सकते हैं ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद डिटेल्स पे जाके आप देख पाएंगे कि आपका ये कहाँ पर शो हो रहा है, या तो फिर आप यहाँ पर जो है राइट साइड आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, देख सकते हैं थ्री डॉट है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने में ये वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका शो हो जाएगा कि आपका वीडियो कहाँ पर है, और उसके बाद आपके गैलरी में ये पहुँच जाएगा। तो मैं आपको गैलरी में भी दिखा देता हूँ, चलिए मैं क्लिक कर लेता हूं, अपनी गैलरी को ओपन कर लेता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं। देख सकते हैं हमारे गैलरी में ये वीडियो एकदम सिंपल तरीके से पहुंच चुका है जैसे मैं चाहता था। और उसके बाद अब इस वीडियो को आप WhatsApp स्टेटस में लगाइए या फिर Facebook पे लगा सकते हैं, जहां मन हो आपका वहां पर इसको आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो जो है काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या करना है आपको पता है। तो दोस्तों आपने सीख लिया होगा और आप भी इस तरह से फ़ोटो या फिर वीडियो में सॉन्ग यूज करके और अपलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, थैंक यू।